आखिर हर 100 साल बाद ही क्यों आती है इतनी बड़ी महामारी जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है और इससे कई लोगों की जानें चली जाती है। इसे संयोग कहें या कुछ और, परंतु यह सच है कि हर 100 साल बाद पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी महामारी का सामना करना पड़ता है। जैसे 2020 में अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। हर 100 साल में इंसान को एक नई महामारी की दवाइयां खोजनी पड़ती है और जब तक दवाई का पता चले तब तक कई जानें जा चुकी होती है। ये पिछले 400 सालों से चलता आ रहा है। आइए जानते हैं इन 400 सालों में किन किन महामारियों का लोगों को सामना करना पड़ा है और कितने कितने लोगों की जाने गई है। सबसे पहले 1720 में फ्रांस के एक शहर मार्सिले में प्लेग महामारी फैली थी और ये लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जाने ले लिया था। आपको ये आंकड़ा कम लगे, परंतु उस वक्त ये पूरी विश्व की जनसंख्या के 20% जनसंख्या थी, जो अभी पूरी विश्व की जनसंख्या 7.8 बिलियन है। उसके बाद 1820 में आई कोलरा, जिसे हैजा भी कहा जाता है, ये सबसे पहले थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस में फैला था और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया और इससे लगभग 8 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की जाने चली गई थी। उसके बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला, ये सबसे पहले स्पेन में फैला, जिसे स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। शुरुआत में ये यूरोप, यूनाइटेड स्टेट और एशिया के कुछ हिस्सों में फैला था और धीरे धीरे इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिला। इससे करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जाने गई थी। और अब पूरे 100 साल बाद 2020 में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसे WHO के द्वारा COVID-19 नाम दिया गया है और इस वायरस के बहुत तेजी से फैलने की वजह से WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया और इसे WHO को वैश्विक महामारी भी घोषित करना पड़ा। इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और ये अभी इतनी तेजी से फैल रही है कि 188 देशों से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है और लगभग 13,000 से भी ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी है और इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। ये आंकड़ा 22 मार्च तक की है, इससे आगे भी बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी पूरे विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस रिसर्चर्स भी इसकी दवाएं नहीं खोज पा रही है और न ही इससे लड़ने का कोई उपाय किन्हीं को मिल रहा है और ये बीमारी दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। भारत की बात करें तो अब तक 300 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं भारत में, जिसे 4 लोगों की मौतें भी हो चुकी है और 4 लोग ठीक हो चुके हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और बेवजह कहीं मत जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे जानकारी के लिए आप लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।